हमारे साथ जयपुर से मनीष शर्मा भी जुड़ गए हैं, क्योंकि राजस्थान से भी आग लगने की बड़ी खबर आई है। जयपुर के विद्यानगर में सेक्टर 9 में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर के आग हादसे की तस्वीरें फिलहाल हमारे पास नहीं है, राजकोट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मनीष शर्मा हमारे साथ इस आग को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, क्या ज्यादा जानकारी है इस हादसे से जुड़ी हुई? जी, सुबह तकरीबन 4 बजे का वक्त था। परिवार के जो 2 लोग थे, जो जिनके बच्चे उस घर में थे, लेकिन माता पिता बाहर गए हुए थे, आग था और बच्चों के साथ उनके दादा भी उस वक्त घर में थे। सुबह 4 बजे दादा संभवतः किसी काम से किचन में गए और वहां उनसे गलती से गैस सिलेंडर खुला रह गया। इस दौरान संभवतः किसी ने बिजली का स्विच ऑन किया और उसकी वजह से पूरे घर में 2 सिलेंडर फटने की वजह से जबरदस्त आग फैल गई। इस आग कांड में दादा समेत 4 पोता पोतियों की भी मौत हो गई है और सुबह दमकल के तमाम वाहनों ने वहां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन ये आग मकान दूसरी मंजिल पर था जिससे आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और इसी दौरान इन 5 लोगों की घर में कैद हो जाने की वजह से मौत हो गई। जी मनीष, बेहद दुखद यह हादसा। जयपुर के सेक्टर 9 में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 बच्चे और उनके दादा अपने घर में थे, गैस सिलेंडर जैसे कि मनीष बता रहे कि खुला रह गया, उसके बाद किसी ने बिजली का स्विच ऑन किया और ये आग लग गई। मनीष, कितनी भीषण ये आग थी और कितनी देर में इस पर काबू पाया गया, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, तकरीबन 10 चक्कर जो 5 दमकल वाहनों को वहां पर लगाने पड़े और जहां तक आग की भीषणता का सवाल है, निश्चित तौर पर जब 2 सिलेंडर घर में भरे हुए फटते हैं तो उसकी भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चारों तरफ जो है बिल्कुल सामान वामान किचन समेत सब कुछ बिखर कर खाक हो गया और इसी दौरान ये 5 घर के सदस्य भीतर कैद हो गए। मकान दूसरी मंजिल पर था, फायर जब तक अपना काम करती तब तक इन 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और इस दौरान इनमें से किसी को बचाया नहीं जा सका। जी, ये है ABP News, आपको रखे आगे।